प्लम्बर थ्योरी प्रथम वर्ष के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम थ्योरी से संबंधित आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। हैंड द्वारा संचालित पाइप बेंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। यहाँ पे जो भाग दिखाया गया है इसमें ऑप्शंस हैं इनसाइड फॉर्मर, पाइप स्टॉप लीवर, पाइप बेंड व्हील या स्टॉप लीवर। इसमें सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन ए यानी कि इनसाइड फॉर्मर। अगला क्वेश्चन है एसी पाइप यानी कि एसी के जो पाइप होते हैं वो किस साइज में मार्केट में मिलते हैं। 5 से 100 सेंटीमीटर व्यास में, 5 से 120 सेंटीमीटर व्यास में, 5 से 130 सेंटीमीटर व्यास में या 5 से 140 सेंटीमीटर व्यास में। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए यानी कि 5 से 100 सेंटीमीटर व्यास में उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है एच डब्ल्यू पाइप पर किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। फ्लो टेस्ट, प्रेशर टेस्ट, वैक्यूम टेस्ट या हाइड्रोलिक टेस्ट। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हाइड्रोलिक टेस्ट। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के पाइपों के लिए उपयोग किए जाने वाले रेत सीआई पाइपों का भारतीय मानक यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड क्या है। आईएस 1536, आईएस 1538, आईएस 1729 या आईएस 3989। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी आईएस 1729। अगला क्वेश्चन है आईएस के अनुसार यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो चित्र में सिंबल दिखाया गया है ये किस चीज़ का है। होस्टेक, प्लेन किचन सिंक, डबल यूनिट सिंक या स्टेयर। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन सी डबल यूनिट सिंक। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो सिंबल दिखाया गया है ये किसका है। यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, मिक्सिंग वाल्व या पंप। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन डी यानी कि पंप। अगला क्वेश्चन है पाइप फिटिंग का नाम क्या है। प्लग और कैप, ज्वाइंट सॉकेट, यूनियन अनस्क्रूड या रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन ए यानी कि पाइप या कैप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबिंग बेंड यानी कि ट्यूबिंग मोड के लिए मिनिमम त्रिज्या कितनी होती है। इसमें जो ऑप्शंस हैं दो डायमीटर का 2 गुना, डायमीटर का 3 गुना, डायमीटर का 4 गुना या डायमीटर का 5 गुना। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि डायमीटर का 5 गुना। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। ग्रूव्ड रोलर्स, कटिंग व्हील, रीमर ब्लेड या टाइटनिंग नॉब। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि कटिंग व्हील। अगला क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ऑप्शन है डिग्री ऑफ बेंड, गेन स्केल, बेंडिंग टूल या क्लैंप। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि गेन स्केल। अगला क्वेश्चन है कच्चे लोहे में चिपिंग प्रक्रिया करने के लिए छेनी के काटने का कोण कितना है। 37.5, 55 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी यानी कि 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है सर्कुलर स्प्लिट डाई में स्लॉट जो कटा होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। डेप्थ ऑफ कट एडजस्ट करने के लिए, लुब्रिकेशन को अनुमति देने के लिए, चिप्स को बाहर आने की अनुमति देने के लिए या अगर कुछ साइज में वेरिएशन होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए एडजस्ट डेप्थ ऑफ कट यानी कि कट की गहराई को थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए दिया होता है। अगला क्वेश्चन है आप एक पाइप रेंच में जबड़े के बीच की दूरी को कैसे चौड़ा करेंगे। इसमें ऑप्शन है जो पाइप में नट है उसको ऊपर की तरफ एडजस्ट करके, नट को नीचे की तरफ एडजस्ट करके, नट को बाईं तरफ एडजस्ट करके या नट को दाहिनी तरफ एडजस्ट करके। इसमें सही है ऑप्शन बी यानी कि नट को नीचे की तरफ जो है एडजस्ट करके। अगला क्वेश्चन है कौन सी बड़ी फ्लेम उत्पन्न करती है। प्रोपेन टॉर्च, एस्टिलीन टॉर्च, केरोसिन ब्लो लैंप या ऑक्सी एस्टिलीन टॉर्च। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी केरोसिन ब्लो लैंप। अगला क्वेश्चन है स्वेजिंग ब्लॉक के ऊपर से 3/8 डिग्री के प्रक्षेपण की गणना कैसे करते हैं। तो उसका जो सूत्र है वो है पाइप के आउटसाइड डायमीटर प्लस 1/8 इंच का, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लेयर ज्वाइंट के प्रेशर टेस्टिंग के दौरान गेज प्रेशर में गिरावट का क्या कारण है। लीक, बकल,
डेंट या बेंड, बेंड माने मुड़ना, डेंट माने कोई निशान पड़ना। तो इसमें से जो है कौन सा उदाहरण सही है, ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन ए यानी कि लीक। लीक की वजह से प्रेशर जो है कम हो जाता है। फ्लेयर डिफेक्ट जो आता है उसका क्या कारण है, फ्लेयर बहुत बड़ा होना, फ्लेयर बराबर ना होना, फ्लेयर बहुत छोटा होना, या फ्लेयर के किनारों पर एज बर होना यानी कि छोटे छोटे धात के टुकड़े होना। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि फ्लेयर का अनइवन होना। अगला क्वेश्चन है, व्यास से 5 गुना से कम त्रिज्या के साथ 6 mm तांबा ट्यूब को मोड़ते समय पाइप पर क्या प्रभाव पड़ता है, पाइप टूट जाता है, पाइप में बकलिंग हो जाती है, क्रैक आ जाता है, या पाइप में कट का निशान लग जाता है। इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी, पाइप में बकलिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं रोलर पहिया, काटने का पहिया, चलती रील या फिक्स्ड पहिया। इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन ए रोलर व्हील। अगला क्वेश्चन है, ठंडे पानी को ले जाने के लिए ज़्यादातर किस पाइप का उपयोग किया जाता है, पीवीसी पाइप, स्टील पाइप, कॉपर पाइप या लेड पाइप। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी कि पीवीसी पाइप। अगला क्वेश्चन है, गर्मी का सामना करने के लिए पीवीसी पाइपों का अधिकतम तापमान क्या है, 140 फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या 170 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, ठंडा और गर्म पानी ले जाने के लिए किस पाइप का प्रयोग किया जाता है, पॉलीप्रोपिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन रैंडम को पॉलीमर पाइप का। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी पॉलीप्रोपिलीन रैंडम को पॉलीमर का। अगला क्वेश्चन है, किस अधिकतम तापमान तक सी पीवीसी पाइप गर्मी का सामना कर सकता है, 140, 160, 170 या 190। इसमें सही उत्तर है 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, गैस हीट संचालित टाइप वेल्डिंग में टॉर्च को गर्म करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, ब्यूटेन, एस्टिरीन, मीथेन या एथिलीन। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए यानी कि ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, गैस हीट संचालित प्रकार की वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। यहाँ पे जो चिन्हित है ऑप्शंस हैं हीट एक्सचेंजर कॉयल, गैस सप्लाई, फ्यूल हीटिंग गैस इनलेट या हॉट गैस नोजल। इसमें जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी हीट ईंधन गैस का जो इनलेट होता है वो हमारा ये है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ताप उपकरणों की तापमान सीमा क्या है, 50 से 100, 200 से 370, 400 से 470 या 600 से 670 डिग्री सेल्सियस। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 200 से 370 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, गैस हीट संचालित वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं हमारे वायुवाहक, ताप गैस इनलेट, हीट एक्सचेंजर कॉयल या हॉट गैस नोजल। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी यानी कि हीट एक्सचेंजर कॉयल। अगला क्वेश्चन है, पॉलीफ्यूजल वेल्डिंग में फिजिकल तनाव और ज्वाइंट ठंडा हो जाए इसके लिए टाइम का पैरामीटर कौन सा है, हार्डनिंग टाइम का पैरामीटर या कनेक्शन का समय या एडॉप्शन का टाइम या वार्मिंग अप टाइम। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए यानी कि हार्डनिंग टाइम। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी पाइप की निरंतरता के लिए एक लंबाई को दूसरे से जोड़ने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है, टी, रिड्यूसर, सॉकेट या एल्बो। इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी यानी कि सॉकेट। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी जॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे चित्र में जो दिखाया गया है, रिड्यूसर शॉर्ट बेंड, यूनियन एल्बो या बैरल निप्पल। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनियन एल्बो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाहरी पाइप थ्रेड एंड है और सॉकेट में फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेंड, एल्बो, टी या प्लग। इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन डी यानी कि प्लग। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट का नाम क्या है, यहाँ पे चित्र में जो दिखाया गया है, बेंड, ऑफसेट, डबल बेंड या रिड्यूसर। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि ऑफसेट। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट का नाम क्या है जिसमें केंद्रीय पीस दोनों तरफ थ्रेड होते हैं, यानी कि जिसमें जो सेंट्रल पीस होता है उसमें जो है दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं, बैरल निप्पल, डबल निप्पल, रिड्यूसर या सॉकेट। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी डबल निप्पल। अगला क्वेश्चन है, रिंग सील ज्वाइंट में 15 डिग्री चैम्फरिंग के बाद पाइप के अंत से कितने अंतर की अनुमति की दी जाती है, 10 mm, 12 mm, 14 mm या 15 mm। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 mm। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी फ्लैंज ज्वाइंट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, मेटल फ्लैंज, रबर ग्रेस्केट, पीवीसी वेन या
टाल पीस यानी कि बड़ा पीस। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि रबर गैस्केट। अगला क्वेश्चन है पीवीसी पाइपों के लिए ट्रेंच की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? बाहरी व्यास प्लस 30 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास प्लस 28 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास प्लस 26 सेंटीमीटर या बाहरी व्यास प्लस 25 सेंटीमीटर। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए यानी कि बाहरी व्यास प्लस 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है पीवीसी पाइपों के लिए जो ट्रेंच होता है उस पर कौन सी सामग्री रखी जाती है? बालू, चिकनी मिट्टी, सीमेंट या जेली। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए यानी कि बालू। अगला क्वेश्चन है वाल्व के साथ बड़े आकार के पीवीसी पाइप में शामिल होने के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? फ्लेयर ज्वाइंट, फ्लेंज ज्वाइंट, ब्रेस ज्वाइंट या कंप्रेशन ज्वाइंट। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि फ्लेंज ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन है पीवीसी पाइप के दो फायदे बताएं। यह टिकाऊ और जंग मुक्त होता है, हल्के वजन और किफ़ायती होता है, हल्के वजन और जंग मुक्त होता है या यह ड्यूरेबल होता है यानी बहुत लंबे समय तक चलता है और यह किफ़ायती होता है। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा हल्का वजन और जंग नहीं लगती है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा केवल कोटिंग के लिए किस बहुलक या पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? पॉलीप्रोपिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन डी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की अनुपस्थिति में पीवीसी वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं गर्म उपकरण वेल्डिंग, गर्म गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग। इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हॉट गैस वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है पीवीसी के विलायक सीमेंट जोड़ों में ग्रीस निकालने के लिए किस रासायनिक विलायक का उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या मिथाइल क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी यानी कि मिथाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है लकड़ी के प्लग और क्लैंप के साथ दीवार पर पीवीसी पाइप को फिट करने के लिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं हम उचित आकार की जांच करते हैं, पाइप को अंदर से साफ करते हैं, पाइप को संरेखित यानी कि अलाइनमेंट करते हैं या पाइप के जो एसेसरीज लगते हैं जो उसके आसपास चीज़ें लगती हैं उनकी जाँच करते हैं। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी यानी कि पाइप को सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट यानी कि सीध में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा मीटर पानी के रंग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, टिंटोमीटर, मोनोमीटर या हाइड्रोमीटर। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि टिंटोमीटर। अगला क्वेश्चन है पीने के पानी का वांछनीय तापमान क्या है? 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री या 10 डिग्री। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 डिग्री। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पानी का रंग क्या होता है? सफ़ेद, नीला, ग्रीन या बेरंग। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि यह कलरलेस होता है। अगला क्वेश्चन है जियोलाइट का प्राकृतिक रंग क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि हरा। अगला क्वेश्चन है पानी की आपूर्ति प्रणाली में ये जो व्यवस्था की गई है इसका क्या नाम है? पंपिंग प्रणाली, ग्रेविटी प्रणाली, डुअल सिस्टम या कंटिन्यूअस सिस्टम। इसमें जो सही उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी यानी कि ग्रेविटी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है पानी की आपूर्ति में ये जो व्यवस्था दी गई है यहाँ पे क्या नाम है इसका? पंपिंग सिस्टम, ग्रेविटी सिस्टम, डुअल सिस्टम या कंटिन्यूअस सिस्टम। इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन है यानी कि पंपिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है जल वितरण की ये कौन सी व्यवस्था है? रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, सर्कल आर रिंग सिस्टम, ट्री आर डेड एंड सिस्टम। इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन सी सर्कल या रिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जल वितरण की कौन सी व्यवस्था दिखाई गई है? रेडियल, ग्रिड आयरन, सर्कल आर रिंग सिस्टम, ट्री डेड एंड सिस्टम। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी यानी कि ग्रिड आयरन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ये जल वितरण की कौन सी जो है व्यवस्था है? रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, सर्कल आर रिंग सिस्टम, ट्री आर डेड एंड सिस्टम। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन डी ट्री आर डेड एंड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है फिल्टर्ड पानी प्राप्त करने के लिए नदी के तल के ऊपर रेत तथा झरझरा सामग्री की जमा न्यूनतम गहराई क्या है? 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर। ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन ए यानी कि 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है इनफिल्ट्रेशन गैलरी में जो होल बनाते हैं उसका साइज क्या होता है? इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी साइज 5x10। अगला क्वेश्चन है आसमो को परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गंदगी परीक्षण के लिए, तापमान
परीक्षण करने के लिए, गंध परीक्षण करने के लिए या कलर परीक्षण करने के लिए। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि यह जो है टेस्ट ओडोर यानी कि गंध परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की कठोरता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? शारीरिक परीक्षण, केमिकल परीक्षण, बैक्टीरियल परीक्षण या जियोलाइट टेस्ट। इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केमिकल या रासायनिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? लाइम सोडा प्रक्रिया, जियोलाइट प्रक्रिया, डीमिनरलाइजेशन प्रक्रिया या रिवर्स ओमेसिस प्रक्रिया। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जियोलाइट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उद्देश्य के लिए पानी तैयार करने की कौन सी प्रक्रिया है? लाइम सोडा, जियोलाइट प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस या रिवर्स ओमेसिस प्रोसेस। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया जल शोधन उपचार में प्रसार के सिद्धांत का काम करती है? इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि रिवर्स ओमेसिस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, अगर पानी को हाइड्रोजन में राल के माध्यम से पारित किया जाता है तो पानी को साफ या स्वच्छ करने की प्रक्रिया क्या है? लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस या रिवर्स ओमेसिस प्रोसेस। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, आयन विनिमय प्रक्रिया के आधार पर जल शोधन उपचार कार्यों में प्रक्रिया कौन सी है? लाइम सोडा प्रोसेस, रिवर्स ओमेसिस प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस या डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जियोलाइट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, उपचारित जल आपूर्ति की दोहरी प्रणाली में फेरुल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? लेड, स्टील, ब्रास या ब्रॉन्ज। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पीतल। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रणाली में पानी की आपूर्ति का लाभ क्या है? जल उच्च स्तरीय क्षेत्रों की आपूर्ति इसमें की जाती है। अगला ऑप्शन है, जल गैर आपूर्ति घंटे के लिए संग्रहित करने के लिए, यानी कि जब आपूर्ति नहीं की जा रही तो उसको स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइप के आकार बड़ा होना भी आवश्यक है या पाइप का आकार बड़ा हो सकता है करने की आवश्यकता नहीं है? इसमें जो सही उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए, यानी कि उच्च जलस्तरीय क्षेत्रों में आपूर्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अनियमित रूप से बढ़ने वाले शहरों में कौन सी जलापूर्ति वितरण प्रणाली उपयुक्त है? रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, सर्कुलर रिंग सिस्टम या ट्री आर डेड एंड सिस्टम। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन डी, ट्री आर डेड एंड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, पानी को अस्थायी कठोरता के किस कारण से उसमें आ जाती है? सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, क्लोराइड या नाइट्राइड। इसमें जो सही उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी, कैल्शियम या मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं जैग वेल, इन्फिल्ट्रेशन वेल, इंटेक वेल या इंस्पेक्शन वेल। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जैग वेल। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे जो दिखाया गया है, बी फॉल्स, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, रिवर या फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर। इसमें जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो इस तरह हमने जो है प्लम्बर के अगले जो है 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हैं और मुझे जो है प्लम्बर का इतना डीप में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को समझा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आगे जब प्लम्बर थ्योरी के वीडियो बनाऊँगा तो मैं उनको जो है समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।